मगध विश्वविद्यालय में अधिशत सीनेट की वार्षिक बैठक का छात्र संगठन ने विरोध कर दिया। विरोध प्रदर्शन में छात्र संगठन आइसा, इनकलाबी छात्र और छात्र राजद कार्यकर्ता शामिल थे। आइसा गया प्रभारी तारिक अनवर, इनकलाबी छात्र के संयोजक दीपक दांगी व छात्र राजद के संतोष राय ने संयुक्त रूप से कहा कि सीनेट बैठक से विश्वविद्यालय की आगामी रूपरेखा तय होती है, मगर यह दुर्भाग्य है कि बैठक में छात्रों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ कैंपस लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। 2018 से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। हम बैठक में जाकर छात्रों के मुद्दे उठाना चाहते थे। देखिए, आज मगध विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। सीनेट और सिंडिकेट सबसे महत्वपूर्ण बॉडी होती है, वहीं से भविष्य का तय होता है विश्वविद्यालय का। और आज महामहिम गवर्नर जो है, कुलाधिपति जो विश्वविद्यालय के होते हैं वो भी है, और नीचे के सारे अधिकारी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी हैं, मगर छात्रों का कोई प्रतिनिधि वहाँ नहीं है। सारी बात छात्रों के लिए होगी, विश्वविद्यालय चलता छात्रों के दम पे है, मगर छात्रों का एक भी प्रतिनिधि वहाँ छात्रों की बात रखने के लिए नहीं है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि छात्र संघ चुनाव होता था तो हमारा जितना वो प्रतिनिधि वहाँ जाता था, हम लोगों की बात रखता था। 18 के बाद से छात्र संघ चुनाव यहाँ नहीं हो रहा है तो हमारा एक भी प्रतिनिधि नहीं हुआ, न मनोनीत है न निर्वाचित है। हम ये कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बात हो रही है, कहा जा रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 साल हो गया आज़ादी का, और आज़ादी यहाँ लोकतंत्र मजबूत होने के बजाय जब हम लोग यहाँ पर विश्वविद्यालय में उनके रास्ते में भी नहीं थे, हम लोग दूसरे रास्ते उनको सिंबॉलिक हम लोग एक सांकेतिक ये दर्ज करना चाहते थे कि आप जब विश्वविद्यालय में आ रहे हैं तो मगध विश्वविद्यालय में समस्याओं का अंबार है तो उनसे आप अवगत भी हों। और हम लोग वही पोस्टर लेकर के खड़े थे, हम लोग अलग अलग छात्र संगठन के लोग जो मांगे हैं कि समय पर एग्जाम हो, समय पर रिजल्ट हो, समय पर डिग्री मिले, सब लोगों को हॉस्टल मिले, हॉस्टल में मेस चले, जो तमाम तरह की विसंगतियाँ हैं विश्वविद्यालय में उसको दूर किया जाए, मगर हम लोग की बात सुनी नहीं गई और उल्टे दमन कर दिया गया। हम लोग का पोस्टर छीन करके फेंक दिए, फाड़ दिए प्रशासन के लोग, और हम लोग को बात रखने तक का राइट नहीं दिया गया। अब आप बताइए कि विश्वविद्यालय के अंदर हम लोग अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है तो छात्र कहाँ जाएगा? छात्र अगर विश्वविद्यालय के अंदर ही बात नहीं रख सकता है, हम अपने कैंपस में भी ये महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है, हमारे साथ मिसबिहेव हो रहा है, आंदोलन कर रहे हैं तो केस करने की धमकी दी जा रही है, तो हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय इसको संज्ञान ले और हमारे जो बात है, हमारा जो स्पेस है उसको खत्म नहीं किया जाए, और जो भी लोग आकर के डरा धमका रहे हैं उस पर कार्रवाई करना चाहिए। विश्वविद्यालय ऑटोनोमस बॉडी है, बाहरी किसी भी तरह के हस्तक्षेप को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पे सब लोग हैं, हम लोग उनके संज्ञान में सारी बात लाते हैं और वही सत्ता करते हैं, वही सुप्रीम अथॉरिटी।